नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वह यह है कि पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि पीएमसीएच में आईडीएमसीपी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पीएमसीएच में जितने तरह के शरीर को लेकर जांच किए जा रहे थे उन सही जांचों को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर अभी पीएमसीएच से निकलकर सामने आ रही है। और इस जांच के तहत ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर, जबकि बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार ये बात कहती रही है कि जितने तरीके के जाँच हैं उन जाँचों में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन पीएमसीएच से जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में जितने तरीके जांच की जा रहे थे उन सारे जांचों को बंद कर दिया गया है। यहां तक कि जो वहां पर मरीज भर्ती है, जिन रूटीन चेकअप होनी है, उनका भी जांच जो है पीएमसीएच के अंदर में नहीं हो रहा है और वो मरीज जो है वो बाहर में जांच कराने को मजबूर हैं। ऐसे में बिचौलियों की भी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन इसमें लापरवाही दिखा रही है और वहां पे बिचौलिए जो है वो बीच में पेशेंट और मेडिकल लैब के बीच में एक कड़ी का काम कर रहे हैं। आपको हम पहले बताए थे कि पीएमसीएच में कौन कौन सी ऐसी जो जांच है जो फिलहाल बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं बताया तो यह भी जा रहा है कि 2019 अप्रैल मई के महीने के बाद से कई ऐसे जांच हैं जो बंद कर दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएमसीएच में कौन कौन से ऐसे जांच हैं जो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। उनमें जो जांच है वो इस प्रकार है। उसमें टाइफाइड की जांच फिलहाल बंद कर दी गई है। ब्रेन से संबंधित होने वाली बीमारियों में मेनिनजाइटिस की बीमारी है, उसे बंद कर दिया गया है। गले की बीमारी की जो जांच होनी है जिसका नाम डिप्थीरिया है, उसकी जांच बंद कर दी गई है। यूरिन कल्चर की जांच बंद कर दी गई है। कुष्ठ रोगियों के लिए जो लेप्रोसी की जांच होती है उसे बंद कर दी गई है। मलेरिया की जांच बंद कर दी गई है। इसके साथ ही पटना शहर के कई हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में पानी की जांच होती है, उसकी भी जांच बंद कर दी गई है। इसके साथ ही पीएमसीएच में जो जांचें बंद की गई है उसमें फ्लूड की जांच जो है वो बंद कर दी गई है। एक घाव में मवाद जो जमा होता है उस मवाद की जांच होती है उसको भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जो जांच बंद कर दी गई है उसमें ब्रेन में फ्लूड, ब्रेन जब किसी का हैमरेज होता है या फिर ब्रेन में जब चोट आती है तो उसमें फ्लूड जो ब्लड जो है जमा हो जाता है उसकी जाँच जो है वो बंद कर दी गई है। इसके साथ ही अब देखना यह है कि प्रशासन इसको लेकर किस तरह की रवैये अख्तियार करती है। इससे पहले डॉक्टरों का कहना है कि हमारे यहाँ जो जांच है वो सुचारू रूप से चल रही है, मगर पीएमसीएच के जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग है जहाँ पे इन सब चीज़ों की जांच होती है उसमें कई तरह की खामियां जो है सामने आई है। उसमें ये बताया जा रहा है कि इन तरह की जितनी भी बीमारियाँ हैं उसकी जाँच फिलहाल बंद कर दी गई है। मगर अब जो सबसे ज़्यादा जो समस्या जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि ये जांच कब शुरू होगी। और कोरोना काल, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोरोना के समय में स्वास्थ्य विभाग और बिहार प्रशासन जो है स्वास्थ्य को लेकर सजग रही है, आगे काम कर रही है, वो और मुस्तैदी से काम करने की बात कही जा रही है। ऐसे में जिस तरह से इन सब बीमारियों की जो जांच है उसको बंद करने की बात जो सामने आई है, ये पीएमसीएच प्रशासन पे एक प्रश्न खड़ा करती है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, पीएमसीएच जो डॉक्टरों का कहना है कि हमारे यहाँ जो है जांच जो है सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी और वायरोलॉजी लैब जो है वो इन सब बातों से फिलहाल नकार रहा है। कह रहा है कि हमारे यहाँ जांच चल रही है, मगर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जांच पीएमसीएच में नहीं चल रही है। तो ये थी बिहार से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर। बिहार से जुड़ी हुई और भी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।